फोग लाइट लगाया है मिंडा वाली इसमें okay. और एलईडी लगाया है, हेडलाइट में एलईडी लगाया है okay. पार्किंग बल्ब वाइट किया है, कर रखी है, डुअल टोन कर दी है गाड़ी, डबल लेयर डैम्पिंग है, पैरामेट की गोल्ड स्क्रीन और इन्फिनिटी प्राइमस के कंपोनेंट लगे, ये देख सकते हैं ब्रेक में डार्क हो जाता है और काफी डिमांडिंग भी चल रहा है। गोलू क्या प्राइसिंग में इंस्टॉल हो रही है? ये 4500 रुपए में विद हब विद फिटिंग सॉकेट इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर जी। इसमें हमने की भी ऐड ऑन करी है, बेस मॉडल की ऐसी की नहीं आती। सो अगर आप ये लगवाते हैं तो वारंटी वॉइड होगी? अगर लगा देते किसी भी गाड़ी में, किसी का बहनम भाई को व्यूज की खींचने के चक्कर में और मेरे को काम के चक्कर में, दोनों भाई का फायदा होता है। लेकिन इसलिए नहीं लगाया कि किसी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं करनी है। अब ये इंस्टॉल मत करो, अगर आपको करवाना है अपने रिस्क पे करवा सकते। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे अपने गोलू भाई के पास। तो गोलू काफी लेट ब्रेजा दिखा रहे हो आज। जी लेट हो गए इस बार? लेट हो गए, बस इस हफ्ते में एक ही वीडियो आएगी ब्रेजा की, लेकिन आएगी। ओके तो अपना कौन सा वेरिएंट है? ये एलएक्सआई। ओके एलएक्सआई वेरिएंट है। तो कहाँ से आई है सबसे पहले तो ये दिखा? ये गाड़ी अपनी आई है पंजाब से। ओके पंजाब नंबर इसके अंदर। ओके फ्रंट से फोग लाइट लगाया है मिंडा वाली इसमें okay. और एलईडी लगाया है, हेडलाइट में एलईडी लगाया है okay. पार्किंग बल्ब वाइट किया है और हेडलाइट का रिस्पांस बहुत बढ़िया बना है इसमें भी okay. देख पा रहे होंगे डे टाइम में भी कितना बड़े डस्ट, डे टाइम में देख सकते हैं ब्राइटनेस। हाँ जी। तो इसमें ऑप्शन और भी होता है कि नीचे आईपीएस भी लगा लग जाएगा, हेडलाइट में डैमेन आई लग जाएगा, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लग जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन है। एक बार आइए उसके बाद आप देखिए। ओके तो गोलू इसमें एक्सटेंडर नहीं लगाया कुछ? एक्सटेंडर नहीं लगाया है। ओके इसमें आपको यहाँ पे सिल्वर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ओके स्किड प्लेट ग्रे कलर वाला भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। ओके स्किड प्लेट भी मिल जाएगी? हाँ स्किड प्लेट भी मिल जाएगा। ओके साइड प्रोफाइल की बात करें कुछ? साइड प्रोफाइल में इसमें हम दो कंपनी की तरफ से लग के आया है। ओके लोअर विंडो गार्निश अभी लगाएंगे हम, बिफोर आफ्टर देख लो। ओके साइड बीडिंग और कंपनी से लग के आया हुआ है, ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन है अपने पास। Okay. कम बजट में बढ़िया काम, एक नंबर काम करके देंगे। ओके okay, अभी ये ऑटो फोल्डिंग है? नहीं है, नहीं, नहीं है, नहीं है। करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते हो, रूफ ब्लैक हो चुका है इसके अंदर, ऑटो फोल्डिंग करवाओगे तो साइड में ब्लैक ही मिलेगा, ध्यान रखना। ओके okay, तो आपने ड्यूल टोन कर रखी है? ड्यूल टोन कर दी है गाड़ी। रूफ रेल का भी ऑप्शन है छत पे, वो भी लगवा सकते हैं आप। okay. सबसे पहले मैं दिखा दूं अलॉय कितने प्यारे लग रहे हैं, हमने नहीं लगाया कहीं और से लगवाया लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओके लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ही एक बीस लुक आ गया है ब्रेजा के अंदर। और अपने पास जेनुइन वाले भी पड़े हैं अलॉय? जेनुइन डेमो में लगा दिया अब तो हमने। ओके वो देख सकते हैं पीछे आपको दिख जाएंगे जी। तो गोलू इसमें इंटीरियर से क्या हो रहा है अभी? इंटीरियर में इसमें डैम्पिंग हो रहा है, डबल लेयर डैम्पिंग है, पैरामेट की गोल्ड सीरीज और इन्फिनिटी प्राइमस के कंपोनेंट लगे हैं और एम्बियन लाइट की वायरिंग डल चुकी है, अभी एम्बियन लाइट लगने वाला है ओके। जी और इसके अंदर देखा जाए तो गेट खोल ये भी क्या कह रहा हूँ, कम बजट में बढ़िया काम, कम बजट में बढ़िया काम, तो ये बढ़िया काम है कम बजट में। वैसे इससे अच्छा तो वही वाला लगता है जो ओरिजिनल आता है। ओरिजिनल वो स्किड प्लेट ओरिजिनल, ये तो स्क्रैच नहीं रोकेगा। वेलकम लाइट जो ओरिजिनल आती है ब्रेजा की वो भी है अपने पास। हाँ वो भी है। ओके बाकी इंटीरियर से देख सकते हैं सीट कवर, डैशबोर्ड पैनल लग चुका है इसके अंदर। ओके डैशबोर्ड पैनल ZXI वाला। हाँ सीट कवर कंपनी से फिटेड लगा हुआ है तो हैंडरेस्ट भी नहीं लगा रहे इसमें हम आज। ओके जी मैट कंपनी से मिला हुआ है इसमें, स्टीयरिंग व्हील टॉप मॉडल वाला लगा चुके हैं देख पा रहे होंगे आप। स्टीयरिंग व्हील हमने इंस्टॉल कर दिया, एम्पलीफायर बूफर एक हैवी साउंड सेटअप भी बन रहा है इसके अंदर। ओके तो सिस्टम का काम भी हो रहा है, पूरा चीख देंगे। ओके जी तो अभी हमने आपको एक लास्ट लुक दिखा दी, इसके बाद बिल्कुल दिखाएंगे काम कम्प्लीट होने के बाद। टेपिंग हो चुकी है छत की। तो फाइनली अपनी ब्रेजा का काम कम्प्लीट हो चुका है। हो गया गोलू सारा काम? हो गया। ओके बाकी स्टार्टिंग फ्रंट से करते हैं, तो फ्रंट से इसमें हमने सुबह ही दिखा दिया था, इसमें फोग लाइट मिंडा की लगाई है, एलईडी लगाई है, रिस्पांस चेक करवा देता हूं, नाइट रिस्पांस हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, तब इतना डे टाइम था थोड़ा जस्टिस नहीं हो पाया। बाकी एक बार आप दिखाते हैं ये फोग लैंप है, अब हेडलाइट ऑन हो रही है देख लो भाई, ये हेड लैंप है। तो अपना एलईडी सेटअप है ये? हां एलईडी सेटअप है। ओके एलईडी सेटअप आने वाला है। बाकी इसमें साइड प्रोफाइल में वेंट लगाया हुआ है? हां ओके साइड प्रोफाइल में साइड वेंट लगाया है, अलॉय भैया ने आफ्टर मार्केट लगवाया है, अपने पास कंपनी वाले अवेलेबल है। ओके okay, तो फ्रंट की बात करें इसमें जो फॉग लैंप की क्रोम है वो भी आपने वो भी लगाई है? ओके फॉग लैंप का क्रोम भी इंस्टॉल करा है। बाकी स्किड प्लेट वगैरह सारी चीज है? स्किड प्लेट वाला यहाँ पे सिल्वर वाला भी अवेलेबल है, ग्रे वाला भी अवेलेबल है, यहाँ का अवेलेबल है। ओके उसके बाद ग्रिल क्रोम अवेलेबल है, फॉग लाइट क्रोम लगाई हुआ है। ओके DRL इसके ऊपर लगा सकते हैं आप, एक पुराने वीडियोस में हमारी डली हुई है। ओके हेडलाइट चाहिए हो किसी को वो भी मिल जाएगी? वो भी है, आप इस वीडियो से पुरानी वीडियो भी देखते रहो। ओके अपने पास सारा है, वैरम चैनल पे एक वीडियो देख लो आप। ओके सारी चीजें मिल जाएगी।
बाकी एक ऑप्शन और भी था कि अगर साइड मिरर भी ऑटो फोल्डिंग भी है अपने पास अवेलेबल, रैप करवाना चाहे तो रैप, अब भैया का कुछ दिनों के बाद ऑटो फोल्डिंग नहीं हुई चेंज करना है ना, ओके तो फिर रैप करवाया क्या फायदा। ओके तो इसलिए ये वाला छोड़ दिया। बाकी ड्यूल टोन में कैसी लग रही है गाड़ी आप देख सकते हैं। गोलू के पास आया तो रेंज रोवर बना देगा, रेंज रोवर बना दी। ओके बाकी तो रूफ हमने कौन सी ब्रांड में रैप करी हुई है? एवी डेनिसन की टेप लगाई है इसमें। इसमें कोई पेंट अगर उखड़ने के चांस? दो साल तक की गारंटी है, कुछ भी दिक्कत सीधा हटा देंगे। ओके तो बाकी इसमें एक ऑप्शन और होता है कि हैंडल क्रोम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें लोअर गार्निश आफ्टर मार्केट आ चुकी है, लोअर गार्निश में आफ्टर मार्केट लगाया है, बात बता दे रहा हूं मैं आपको। आफ्टर मार्केट देख सकते हैं आप, आफ्टर मार्केट आ चुकी है। आफ्टर मार्केट की पहचान यहाँ पे दो टक होगी और ये डबल टुकड़े में रहेगा और ये स्टील में रहेगा, ये बात ध्यान रखना भाई। जो हमारा ये आपको बताना जरूरी है कि आफ्टर मार्केट भी आ चुका है, एक आधा गाड़ी में लगा के भी दिखाऊंगा, बढ़िया ही होता है ये भी, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है। ओके बाकी आफ्टर मार्केट वाला इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर, और शार्क फिन भी देख सकते हो इसमें हमने रैप करा हुआ है। ओके ब्लैक करा हुआ जी। ओके और बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में रिफ्लेक्टर लगाया गया है, इसमें ब्रेक पार्किंग इंडिकेटर ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं जला के दिखा देता हूं। ओके एक बार जला के दिखाते हैं तो रियर प्रोफाइल देखते हैं। तो गोलू अब वो वाला रिफ्लेक्टर नहीं है क्या जो हमारी गाड़ी में इंस्टॉल? वो भी है, वो बैकलाइट के साथ है, अब लोगों को इंडिकेटर चाहिए होता है कि भाई चलो साइड दो निकलो, वो वाली बात है। ओके तो गोलू ने जैसा बताया इंडिकेटर फंक्शन इसमें आ जाता है, रहेगा इंडिकेटर नहीं दोगे तो ऐसा रहेगा, ब्रेक पार्किंग में दिखा देता हूं। ओके रिफ्लेक्टर का दिखा देता। तो ये हमारा राइट साइड का इंडिकेटर इस वक्त ऑन है, तो ये फ्लोटिंग मैट्रिक्स में रहता है, ये देख सकते हैं ब्रेक में डार्क हो जाता है ये। ओके मतलब सारे फंक्शंस इसमें हैं। देखो बंद हो गई है। ओके और स्टार्ट करते हैं जैसे ही तो देख सकते हैं ब्रेक और इंडिकेटर। ओके मतलब तीन मोड्स हैं इसके अंदर, तीन मोड्स हैं इसके अंदर। ओके बाकी अगर बात करें आउटर से इतना ही काम था, आउटर से इतना ही काम था और इसमें अपने सारे पार्ट्स MGP A to Z सारे एक्सेसरीज अवेलेबल है अपने पास। बाकी इंटीरियर की तरफ से जाते हैं तो सबसे पहले दिखाते हैं एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है, एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल किया है जो कि K3 में रहने वाला 14 पीसेस के साथ। ओके जी 14 पीसेस वाला है अपना, एक ऊपर है एक नीचे है, बॉटल होल्डर में चारों तरफ पैरों में है। ओके नीचे भी है और डैशबोर्ड पे भी है दोनों साइड। ओके डैशबोर्ड में भी लगा हुआ है। इंटीरियर अभी कवर करेंगे, अभी हम बाहर से कवर कर रहे हैं पहले, बस नीचे हमने लगाई है ब्रेक वेलकम लाइट, ये आफ्टर मार्केट है ये भी। तो ये मैं आपको हर चीज बता दूंगा क्या ओरिजिनल है क्या आफ्टर मार्केट है, एक ही चीज क्लियर कर दूंगा, ये नहीं कि ओरिजिनल है आफ्टर मार्केट को भी। ओके एज अ ब्रेजा ओनर हम भी हैं, लेकिन ये बहुत चीप लग रहा है। बढ़िया लग भी लगेगा भैया? नहीं चीप लग रहा है गोलू, क्योंकि जो ओरिजिनल इसकी जो स्कफ प्लेट है वो काफी अच्छी लगती है, वो भी है अपने पास। ओके वो वाली काफ़ी अच्छी लगती है, वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, हमारी तरफ से नहीं है रिकमेंडेड, गोलू की तरफ से है तो है रिकमेंडेड। बढ़िया क्योंकि ये भी एक मैं आपको बता दूँ, आप भी ब्रेजा ओनर हो तो, क्योंकि इसमें तो एक स्कफ प्लेट है ना, तो पैर रखोगे तो जो स्टील नीचे का ना और जंग खा जाता है कुछ दिनों में, घिस जाता है पेंट छोड़ देता तो अब नहीं छोड़ेगा। ओके वैसे तो मुझे OEM चीजें ही पसंद आती है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है। बलिनो में भी OEM चीजें आपने लगवाई है, ब्रेजा में भी लगवाया है। ओके बाकी अंदर का कवर करते हैं, अंदर हमने क्या चेंज करा। सो इंटीरियर की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले मेरी फेवरेट चीज जो मैंने ब्रेजा में और अपनी बलिनो में भी इंस्टॉल करवाया गोलू से ही जी, वो है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील, जो बलिनो में भी टॉप मॉडल में भी यही आता है, ब्रेजा में भी यही आता है। ओके हमारी इंस्टाग्राम में आप रील भी देख सकते हैं गोलू के साथ बनाई थी, अब वो मिलियन पहुंचने वाली है, बिल्कुल पहुंचेगी। ओके तो वही वाला स्टेयरिंग हमने इसमें भी इंस्टॉल करा है और काफी डिमांडिंग भी चल रहा है गोलू। हाँ क्या प्राइसिंग में इंस्टॉल हो रही है? ये 4500 में विद हब विद फिटिंग। ओके 4500 हाँ जी 4500 में आप लगवा सकते हैं अगर किसी भी भाई को लगवाना है। बेस मॉडल में तो आता नहीं है ऑप्शन, बाकी ये अपने आप अच्छा भी लगता है देखने में, बाकी देख सकते हैं पार्किंग के साथ लाइट फंक्शन भी बहुत बढ़िया है। पहले ऐसा था कि सबसे पहले स्टीयरिंग लाने वाला भी मैं था और बढ़िया चीज ला के दिया हूँ। okay. उसके बाद दुनिया ने स्टार्ट किया। 3500 में कंट्रोल लगाते थे हब के साथ, ठीक है 1000 में स्टीयरिंग कवर सिलते थे, 4500 का खर्चा हो जाता था लेकिन चीज क्या मिलता था ये बताओ वैनम भाई। ओके पहले स्टार्टिंग में सारे लोग यही वाले सिर्फ ये स्विचेस लगाते थे, बाद में हर गाड़ी में ब्रीजा हो बलिनो हो ओल्ड बलिनो हो ओल्ड ब्रीजा हो हर गाड़ी में। ओके विटारा में भी अब ऐसा लाना चालू कर दिया टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग। एक बात बताओ 3500 में कंट्रोल लगाते थे हब के साथ और 1000 कवर, वैनम भाई ने कहा था मेरे को गोलू टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग ही लूंगा, अगर मैं बेस मॉडल गाड़ी खरीदूंगा तो मुझे ओरिजिनल पार्ट चाहिए तो चाहिए, तभी मैं तेरे से काम करवाऊंगा, तो मैं टॉप मॉडल गाड़ी लूंगा।
मैंने वैनम भाई को विश्वास दिलवाया कि वैनम भाई बेस मॉडल गाड़ी लो और मैं आपकी गाड़ी को टॉप मॉडल बना दूंगा, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो क्लाइमेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके भी पैसे लगेंगे, ये भी तैयार हो जाएगा। वैसे मेरे को तो लगता नहीं है वर्थ है करवाना, जैसे अपने 45-50। मैं आपको आज वीडियो में रेट भी खोल देता हूँ, किसी ने नहीं खोला होगा आज तक वीडियो में रेट। 45-50 हजार खर्चा है क्लाइमेट कंट्रोल का, गाड़ी देनी पड़ेगी 2 दिन के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल भी चालू हो जाएगा। ओके, 50,000 वर्थ नहीं है इसमें? 50,000 मैं आपको पर्सनली कहूंगा, 50,000 अगर मैं ब्रिजा का ओनर होता, बहनम भाई ब्रिजा के ओनर, अगर मैं ब्रिजा खरीदा होता, अगर मैं 50,000 इस पे क्लाइमेट कंट्रोल पे खर्च करूंगा तो मैं VXI मॉडल लूंगा। इस बात को मैं आज गोलू तिवारी खुद कह रहा हूँ। पहले ही हमें पता चल चुका था इसके कॉस्टिंग 50,000 आती है। अगर मैं 50,000 पे करूंगा बेस मॉडल में कि मेरे को क्लाइमेट कंट्रोल मिले, उससे अच्छा मैं 1,00,000 रुपए और देके इससे ऊंचा वेरिएंट ना ले सकूं। हाँ, हाँ, अगर किसी भाई को क्लाइमेट कंट्रोल की जरूरत है तो आप VXI लो, मैं आपको कह रहा हूँ आज। Okay. अगर आपको क्लाइमेट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, ये भी क्या चीज है, कौन सा बार बार एक बार एसी चला दिया तो खुली छूट है। एज अ ब्रेजा ओनर मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर करवाना चाहता कंटेंट के लिए, मैं अपनी गाड़ी में पहले लगवा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये छिड़वाना नहीं था, वो फिटिंग नहीं आ पाती इसमें प्रॉपर, और कल को कोई इशू होगा तो कंपनी वारंटी नहीं देगी इस चीज के। हाँ, इस चीज से कंपनी बेसिकली, मैं कपड़े टू कपड़े लगाऊंगा, वायरिंग कहीं से नहीं छिलूंगा, कहीं से नहीं काटूंगा, लेकिन गाड़ी तो बेस मॉडल ही रहेगी आपकी, RC पे तो अलग सा ही रहेगा। तो अगर हम दिखाना चाहे तो अपनी गाड़ी में दिखा सकते थे, लेकिन मैंने पहले ये क्लाइमेट कंट्रोल का अगर किसी भाई को है प्यार तो आप VXI मॉडल लो, बिना क्लाइमेट कंट्रोल के आप LXI लो। और AC तो एक बार ही चलानी होती है भाई, गाड़ी में एक बार ही ऑन कर दिया, बस गाड़ी में चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ओके, अगर किसी को ये डिमांड है कि ये लगवाना है तो चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ऑटो लीड कार एक्सेसरीज और गोलू तिवारी करके देगा। ओके, 50,000 कॉस्टिंग आएगी। हाँ जी, अगर हमारी मेरी तरफ से तो रिकमेंड ये रहेगा कि आप एक मॉडल ऊपर ले लो, जिसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग कंट्रोल भी मिल जाता है और हेड यूनिट भी मिल जाता है और 4 स्पीकर भी मिल जाता है, 1,00,000 रुपए खर्चेंगे और हाइट एडजस्टिंग सीट भी मिल जाती है। ओके, मतलब काफी चीजें मिल जाती है, आपका 1,00,000 रुपए का सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप LXI लो, LXI ही लो, मैं बार बार कहूंगा, क्लाइमेट कंट्रोल की कोई इतनी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये काम हो सकता है, लेकिन आप अपने रिस्क पे करवा आज सकते। इस वीडियो को मैं इसलिए इतनी लंबी कर रहा हूँ और इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको हर चीज समझा रहा हूँ, कोई भी शॉपकीपर नहीं समझाएगा, कोई भी कस्टमर नहीं समझाएगा इस बात को, हमने बिल्कुल डिस्क्राइब करा है। बिल्कुल, हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि अपनी गाड़ी में लगा के दिखा दे, ये करके दिखा दे, लेकिन 50,000 मुझे वर्थ नहीं लगा, नहीं लगा इसमें करवाना और स्पेंड करना। बाकी बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हमने इसमें डैशबोर्ड किट इंस्टॉल करी गई है, जो कि आपको VXI में भी नहीं मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल के चक्कर में अगर आपने VXI लिया तो उसमें भी बहुत सामान नहीं मिलेगा। कहोगे कि गोलू भाई तुमने तो कहा था क्लाइमेट कंट्रोल लेना तो VXI ले लो, तो उसमें आपको डैशबोर्ड पैनल नहीं मिलेगा। Okay. ये वाला सिल्वर वाला मिलेगा, बाउंड्री बाउंड्री स्टीयरिंग आपको नहीं मिलेगा, ये वाला स्टीयरिंग पे बस माउंटेड कंट्रोल मिलेगा। तो ये सारी चीजें को ध्यान देते हुए आप LXI लो। ओके, ये रिक्वायरमेंट हम पूरी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, आर्मरेस्ट नहीं मिलता, आर्मरेस्ट के पीछे चार्जर नहीं मिलेगा, पार्सल ट्रे नहीं मिलेगा, इनर हैंडल नहीं मिलेगा। पीछे से दिखाते हैं, हमने USB सॉकेट इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर, जो कि हमने ही करा था सबसे पहले। हाँ, हमने ही किया था, बहनम भाई थोड़ा घूमने चले गए थे, चक्कर में वीडियो नहीं आ पाई थी। ओके जी, तो गोलू मुझे ब्लेम कर रहा है, खेल गया उसके चक्कर में दूसरा बंदा। ओके, बाकी बात करें एम्बिएंट लाइट की क्वालिटी, क्वालिटी देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी आती है। तो गोलू इसमें हमने स्टीरियो कौन सा, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ओके, देख पा रहे होंगे आप, चलाने के बाद जैसे मर्जी कर लो, कहीं से हैंग नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, इसमें कोई लैग इशू तो नहीं आता। बिल्कुल देख लो भैया, मैं तो डेमो लगा दिया हूँ, अंदर चेक कर लो, अगर कोई और ब्रांड चाहिए तो वो भी लगा दूंगा आपके लिए। अगर मेरी तरफ से जो रिक्वायरमेंट रहता है मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी चला के दिखाऊंगा, और आप कस्टमर जो चॉइस में आता है कि नहीं मुझे ये ब्रांड चाहिए तो मैं वो ब्रांड भी ला के देता हूँ आपको। ओके, बाकी इसमें और भी अगर चीज चाहे तो करवा सकते थे। बाकी एक बार एम्बिएंट लाइट की लाइट चेंज करके दिखाता हूँ मैं, एम्बिएंट लाइट देख पा रहे हो, ये देख सकते हैं ब्लू कलर, फोन से भी कंट्रोल हो जाता है, ऐप कंट्रोल भी है, ब्राइटनेस कम तेज बंद करना सब चीज हो जाएगा इसमें। Okay. आप LXI लेके आओगे तो LXI प्लस बना दूंगा, इस बात की गारंटी है। ओके, बाकी इसमें मेन चीज दिखाते हैं कि इसमें हमने की भी एड ऑन करी है, बेस मॉडल की ऐसी की नहीं आती, तो इसको फ्लिप की में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये भी एक काम हो सकता है गोलू के पास, ये भी होता है, लेकिन इसमें यही मॉडल लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो घर से ही। ओके, इसमें कोई दूसरी चाबी नहीं बन सकती आपको, दूसरे जैसे कि आपके पास और भी गाड़ी होगी तो उसमें आपको ऑप्शन दिखाया जाता है 5-7 चाबी होगा। Okay. इसमें आपको सिंगल ऑप्शन मिलेगा, देख पा रहे हो। ओके, ब्रेजा में आपको यही, ओ ब्रेजा क्या, मारुति में यही ऑप्शन यही मिलेगा, ये खुल के यही लग जाएगा और इधर स्टिकर लग जाएगा और इधर फ्लिप की बन जाएगा। ओके, तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है अगर ब्रेजा में किसी को करवाना है तो। ये वीडियो में और कुछ तो था, आज का मेन वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था और वैनम भाई का भी यही था कि आज हम क्लियर कर दें किस बात को कि LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस में क्या क्या डिफरेंस है। काफी टाइम से मैं भी कमेंट्स देख रहा था तो नीचे कमेंट्स करते थे चालू करो भाई क्लाइमेट कंट्रोल, अभी तक चालू नहीं हुआ, क्यों नहीं हो जाएगा, करना होता
हम भी करवा सकते थे अपनी गाड़ी में, लेकिन हमने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? मुझे वर्थ नहीं लगा 50,000। अगर मुझे करना ही होता तो मैं एक वेरिएंट ऊपर लेता, VXI लेता, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है ऐसी, क्योंकि दूसरी कार में वैसे ही मिल रहा है। एक बारी में करना है भाई, बार बार थोड़ी ना करना है। और जो भाई कहते हैं बुरा लग रहा है, तो कुछ भी नहीं बुरा लग रहा। और जहां तक इसकी कमी थी मुझे जो लग रही थी, वो हमें बलिनो में मिल चुकी है, मिल चुकी है। सो इसके अंदर, इसके साथ इसका जो ये वाला पार्ट आता है, ये भी मिलेगा आपको। ओके, तो गोलू ने इसका कुछ नाम डाला और था। ये नागिन है हमारी, जहरीली नागिन। ओके, तो नागिन नाम डाल रखा है गोलू ने। टेढ़ा मेढ़ा पीसेस ले। ओके, ये भी मिल जाएगी। और बाकी इसमें गोलू ये वाला सेट भी यूज करा हमने, यहाँ ब्लैक आता था। हाँ, इसको भी डोर में सिल्वर किया है, इनर हैंडल किया है। ट्विटर साइज आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। इसमें ये देख सकते हैं, इनर हैंडल भी हमने करा है। बाकी देख सकते हैं इसमें अपना फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं है, ये भी करवा हो सकता है। जो जो चीज सस्ता है वो करवाओ, जो चीज महंगा है उसको मत करवाओ। Okay. उसको भी करवाओ, जिसके पास पैसा है वो भी कर देंगे हम। okay. जी। So, अगर आप ये लगवाते हैं तो वारंटी वॉइड होगी। अगर लगा देते किसी भी गाड़ी में, किसी का बहनम भाई को व्यूज के खींचने के चक्कर में और मेरे को काम के चक्कर में, दोनों भाई का फायदा होता। okay. लेकिन इसलिए नहीं लगाया कि किसी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं करनी है, और चालू भी करेंगे तो बढ़िया तरीके से करेंगे। ओके जी, 50,000 मुझे भी नहीं लगा वर्थ। हाँ, ये देखो दो दो क्लाइमेट कंट्रोल पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं VXI वेरियंट भी ले सकता था, मुझे VXI एक ही दिन में मिल रही थी, लेकिन तीन दिन रुक के मुझे LXI मिली है। लेकिन मुझे लेना LXI था, ताकि मैं अपने मन पसंद से जो काम करवाना चाहूं। अपने पास सारे सामान अवेलेबल है। okay. क्लाइमेट कंट्रोल भी चालू करके दूंगा। okay. फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। okay. लेकिन मैं कर दिया हो तो अभी तक क्लाइमेट कंट्रोल चालू। okay. करा इसलिए नहीं, अगर किसी 50,000 रुपए खर्च कर दो, हम ये नहीं चालू कर दूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये इंस्टॉल मत करवाओ, अगर आपको करवाना है अपने रिस्क पे करवा सकते हैं। और ब्रांडेड दुकान से करवाए, ब्रांडेड चीज देख के करवाए, अपने रिस्क पे करवाएं। हाँ, ये चीज अपने पास पूरे स्टॉक में, इसकी वायरिंग वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी सब आपको। चीज़, और ये भी जेन्युइन है, देख पा रहे होंगे, कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है ये। okay. और कोई किसी और गाड़ी का नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। okay. कहोगे तो खोल के किसी दिन चेक भी करवा दूंगा वीडियो में।